ऑक्टाइडल वर्ड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना है, नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड होता है ये किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। तो जेड इसमें कितना होता है, सिक्स होता है। तो यहाँ पे ऑक्टाइडल वर्ड कितना हो जाएगा, ऑक्टाइडल वर्ड भी क्या होगा, सिक्स। और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, टू टाइम्स ऑक्टाइडल वर्ड। तो यहाँ पे 12 होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा, 12। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो BF3 प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और इसका क्या बताना है, इसका इलेक्ट्रॉन कौन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्लेनर है तो ये sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, तब बोरोन में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा सेंट्रल एटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम किस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 54। फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स टू बी एन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या है ये, नेगेटिव है। एंथैल्पी इसका क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक का ग्राफ हमको चेक करना होगा, तो एक्सोथर्मिक में जो ग्राफ होगा वो जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ में क्या होता है, जो रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह ऑप्शन किस में है, इस तरह ऑप्शन फर्स्ट केस में ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो नोबल गैस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका गलत है, इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर फेज। तो सॉलिड और वेपर फेज में इसका हमको क्या बताना है, इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वेपर फेज में क्या होता है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इस तरह रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा 4, चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली। सॉलिड फेज में क्या होता है, चेन टाइप का होता है, और वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में होता है डाइमर के फॉर्म में। उसके बाद 57 क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेड इन द ऑर्डर गिवन एज HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, इसका रीजन लिखा हुआ है, तो रीजन भी सही है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 4। उसके बाद 58 क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो 58 क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एडिशन पॉलीमर। तो नाइलोन 66, नेवलो और डेक्रोन, ये तीनों क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, टेफ्लॉन इसका सही आंसर होगा, इसका 4 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ये पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 13। और हमको क्या इसमें फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल सी लैम्डा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था हमको, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लाइट का स्पीड 3 × 10 पावर
8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये किलो हर्ट्स में, इसको हर्ट्स में चेंज करेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 90 ये हर्ट्स है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इसको हमको लिखना होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 21929 आता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 219 और यहाँ पे 3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ऊपर में आंसर दिया हुआ है 219.2 मीटर, तो ये इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जर्कोनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जर्कोनियम एंड हैफेनियम हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जर्कोनियम एंड हैफेनियम हैव द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जर्कोनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जर्कोनियम एंड हैफेनियम हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई बिकॉज, तो जो जर्कोनियम और हैफेनियम क्या है, ये लैंथनाइड सीरीज का एलिमेंट है, और इसका लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, सेम होता है। तो ये 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।